Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट टाइम हैक्स या फिर एक परफेक्ट नाइट रूटीन, क्योंकि हमारा जो अगला दिन होता है वो पिछली नाइट पे डिपेंडेंट होता है. अगर नाइट टाइम रूटीन प्रॉपर्ली नहीं होगा हमारा अगला दिन भी खराब हो सकता है. तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी नाइट टाइम मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूँ जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए. सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एक अच्छी स्लीप तभी आएगी जब हम कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोएंगे. तो मैंने ये कई बार बताया हुआ है आपको कि रात के टाइम पे आपको थोड़े से ब्रीदी या फिर कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोना चाहिए, स्पेशली प्राइवेट एरिया के पास, क्योंकि पूरे दिन भर हम लोग अंडरवेयर पहन के रखते हैं. रात के टाइम पे एटलीस्ट हम लोगों को बिना अंडरवेयर के सोना चाहिए जिससे हमारा प्राइवेट एरिया भी ब्रीद कर पाए, जो हमारे बॉल्स है वो हेल्दी रह पाए. जब आप अकेले रह रहे हैं तो आपको करना ही चाहिए. अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको बॉक्सर्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एयरी कंफर्टेबल होते हैं और आपको अच्छी नींद देंगे. उसके नीचे अंडरवेयर बिल्कुल मत पहनिएगा. अब कई बार क्या होता है कि रात को जब सोते हैं लोग तो बहुत बार गंदे गंदे सपने आते हैं, बहुत बार बेचैनी सी होती है. कुछ ऐसे सपने होते हैं कि हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं. ये ऐसा इस वजह से होता है, इस थॉट के बारे में लास्ट सोचते हैं और उसके बाद जब हम सोने जाते हैं तो वही थॉट हमारे दिमाग में चलता रहता है. अगर आपने सोचा हुआ है कि आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बॉस के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है, या स्कूल कॉलेज में आपका असाइनमेंट है उसकी टेंशन चल रही है, तो उसी तरीके के सपने आते हैं. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको सोते समय जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका आप ध्यान करिए और अपने पास छोटी सी उनकी कोई मूर्ति रख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी सी तसल्ली रहेगी. क्योंकि आपको याद होगा जब हम सोते हैं बचपन में हमारे जो बड़े हमको सुलाते हैं तो हमारे सर पे हाथ रखते हैं और जब वो कहीं दूर जाते हैं तो हमारे पास एक पिलो रख देते हैं, जिससे कि बच्चे को रियलाइज होता है कि हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं और वो सेफली तरीके से सोते हैं. तो वैसे ही हमें फील होता है कि हमारे पास हमारे भगवान हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे पास ही हैं और हम आराम से टेंशन फ्री होकर सो सकते हैं. साथ साथ एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, बीच बीच में टूटती है. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नहाने से पहले आप एक बार क्विक शावर ले लीजिए 5 मिनट का. वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी पूरी बॉडी से थकान को हटाने में. या फिर अगर आप शावर नहीं ले सकते हैं तो आप जल्दी से अपने पैर धो लीजिए, ये भी आपके पैरों में से थकान को दूर करने में और एक अच्छी नींद लाने में काफी हेल्पफुल होता है. कई बार लड़कों को क्या होता है कि वो रात को जब सोते हैं तो उनकी 2 या 3 बार से ज्यादा टॉयलेट आती है या फिर कई बार टॉयलेट आती है, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है और नेक्स्ट डे हम टायर्ड फील करते हैं. तो ऐसा इस वजह से होता है कि शायद आप 6 बजे के बाद या फिर सोने से इमीडिएटली पहले बहुत ज्यादा मीठा कुछ खा के सो रहे हैं. मीठा खाने से क्या होता है, हमारे अंदर टॉयलेट बहुत ज्यादा जनरेट होनी शुरू हो जाती है. मीठा बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए 3 से 4 घंटे पहले, और उसके साथ साथ सोने जाने से पहले आप एक बार टॉयलेट जरूर हो जाइए, जिससे आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद, एक कॉन्स्टेंट नींद जो होती है तो वो मिल जाए और आप टायर्ड ना फील करें. अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें रात में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो पूरा माइंड एंड जितनी भी मसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से चलने लग जाता है. तो अगर हम जब रात में वर्कआउट करने के बाद इमीडिएटली सोने जाते हैं तो क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो सोने में और उसको काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमें वर्कआउट के 3-4 घंटे बाद तक नींद नहीं आती है या फिर हमें सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई कई बार उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप रखिए, कि जिससे कि हमारी हार्ट बीट या फिर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में वो नॉर्मल हो जाए, एंड देन ओनली यू शुड गो फॉर अ स्लीप. अब रात में हम लोग सोना चाहते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो हमारी नींद एकदम गायब सी हो जाती है. ऐसा इस वजह से भी होता है कि हम शायद 6 बजे के बाद चाय या कॉफी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कैफीन या निकोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है. तो 6 बजे के बाद आपको चाय कॉफी बिल्कुल कट कर देनी चाहिए एंड यू विल गेट अ पीसफुल स्लीप डेफिनेटली. अब रात को हम लोग सो गए हैं और सुबह उठ के देखा कि हमारे फेस पे पिंपल निकल आया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया हमने रात में. तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमने अपना नाइट टाइम रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होता है. जितना जरूरी मॉर्निंग रूटीन होता है उतना ही जरूरी नाइट टाइम रूटीन भी होता है, क्योंकि दिन भर की जो भी धूल मिट्टी हमारे फेस पे जमा होती है अगर हम उसको बिना क्लीन करे सो जाएंगे तो हमारी स्किन एक्ने पिंपल की जनरेट कर ही देती है, क्योंकि रात का जो समय होता है वो स्किन को हील करने का समय होता है. एक अपने जेंटल क्लींजर से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ एक अच्छा सा एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट. इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत हेल्दी फील करेगी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा अगला दिन है वो रात पे डिपेंडेंट होता है, तो अगले दिन के सुबह के जो भी काम होते हैं, क्योंकि सुबह हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, हम हड़बड़ी में सब कुछ करते हैं, तो रात को ही हमें पूरी प्रिपरेशन करके सोना चाहिए. आपको कपड़े पहनने हैं वो निकाल के रख लीजिए, ऑफिस में कोई फाइल ले जानी है या स्कूल कॉलेज का असाइनमेंट है वो भी आप बाहर निकाल के रख लीजिए, जिससे कि सुबह आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप वो चीज़ें मिस ना कर जाएं और आपका दिन आगे का खराब ना हो.
अब कई सारे लड़कों को आफ्टरनून नैप लेने की आदत होती है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाला और सो गए। बट आपको ये चीज याद रखनी है, उस नैप की वजह से आपकी जो रात की नींद है वो तो गायब नहीं हो रही है, वो इफेक्ट हो रही है। दैट मींस कि आपको जो आफ्टरनून नैप है वो 20 या 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है। सो गाइस, ये थी कुछ ऐसी नाइट टाइम मिस्टेक्स, कुछ नाइट टाइम हैक्स जो कि मुझे लगा कि हम सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको कौन सा हैक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।